दुनिया भर की तरह सऊदी अरब के साहली शहर जद्दा में भी योम पाकिस्तान के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन हाफिज अरफान खटाना से। जी हाफिज अरफान, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज़ अरफान खटाना। आज पूरी दुनिया में योम पाकिस्तान जो है वो बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इसी तरह सऊदी अरेबिया में भी एक मकामी हॉस्पिटल के अंदर जो है वो योम पाकिस्तान बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक मारूफ डॉक्टर, डॉक्टर अरशदुल्ला खान, जो कि इस वक्त सऊदी अरेबिया में आपकी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो आज यौम पाकिस्तान के मौका पर क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हैं, कैसे इरफान? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो यौम पाकिस्तान, आज के इस दिन के मौका पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपको भी बहुत मुबारक हो। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप यहाँ पर आए और प्रोग्राम को कवरेज किया आप लोगों ने। सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और आपकी टीम का कि जो आप यहाँ पर आए और बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम की कवरेज की। इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जी हम सबसे है पाकिस्तान और हम पाकिस्तान से हैं, लिहाजा पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, क्योंकि हम इसी की वजह से पूरी दुनिया में हमारी शनाख्त मौजूद है और पाकिस्तान है तो हम दुनिया में हमारी शनाख्त है। तो वी प्राउड टू बी पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर साहब आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, यकीनन हम सब लोग जो है इस वक्त ओवरसीज़ में बैठे हुए हैं और यकीनन हमारे दिल जो है वो पाकिस्तान की मोहब्बत में हर वक्त धड़कते रहते हैं। इस वक्त मैं आपसे ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो सऊदी अरेबिया में मुकीम हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में क्यों ये पैगाम देना चाहूँगा कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें, जहाँ पे भी हों दिल लगा के काम करें, मेहनत से काम करें और अपने आप को मनवाएं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है दुनिया के लिए एक बेमिसाल कौम है और हमें अपने कौम का नाम रोशन करना है। लिहाजा मैं ये कहूँगा कि डेडिकेशन और दिल लगा के काम करें, ऑनेस्टी से काम करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, क्योंकि पाकिस्तान से हम सब हैं और हम सब की पहचान पाकिस्तान है। बस आज हम यहाँ पे सऊदी अरब जद्दा में मौजूद हैं और 23 मार्च को सेलिब्रेट कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे हम पाकिस्तान में ही हैं और हम हर साल पाकिस्तान में इसी तरह मनाते थे। बस अल्लाह हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमें सबको यकजहती के साथ एक झंडे तले रह के अपने मुल्क की हिफाजत करनी और उसको आगे बढ़ाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर आमिर शहजाद मेमन है और मैं यहाँ पे कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। ये मेरा 13वां साल है इस ग्रुप के साथ, अलबीर ग्रुप के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे पाकिस्तान कम्युनिटी है जिसकी ट्रीटमेंट करके हमें ऐसा फ़ील होता है कि जैसे हम अपने मुल्क के अंदर ही काम कर रहे हैं। और इस तरह के जो प्रोग्राम 23 मार्च में हमारे और ग्रुप ने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए परदेश में बैठ के अपने मुल्क की फीलिंग्स हमें महसूस होती हैं, तो हम बहुत खुश हैं इस इवेंट के लिए। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और हमें मौका दिया कि आप लोगों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें और अपने मुल्क को याद रख सकें। जी आज 23 है, ये हमें मैसेज देता है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तान है मगर हमारा दिल पाकिस्तान के हवाले से धड़कता है। तो मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को ये कहूँगा कि एक हों पाकिस्तान के लिए, सिर्फ एक सोच हो सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। श्योर, माई नेम इज़ एंजेलिन, आई एम साउथ अफ्रीकन, आई हैव बीन इन सऊदी अरेबिया फॉर 19 ईयर्स एंड करंटली आई एम द चीफ नर्स ऑफिसर फॉर अबीर मेडिकल ग्रुप हियर इन जेद्दा। Okay, thank you so much. First of all, I want to ask with you, what did you say today? You enjoy National Day, and what's your feeling today? What did you say about Pakistani nation? Well, many of my colleagues are Pakistan nationals. Many of my own personal friends are from Pakistan. And I've got a very soft spot for Pakistan nationals. I believe that they are very pure at heart, that they are genuine, and some of their great characteristics are that they never give up. So today I have learned something new. I never knew that you have a snake eating goat. Is that true? A mahur. That's something new I never knew before. Okay, but last question. Do you know some Urdu? Urdu. What do you know? Su
शुक्रिया एंड आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू से गुडबाय इफ यू कैन हेल्प मी गुडबाय अल्लाह हाफिज जी नाज़रीन ग्रामी आपने देखा इनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है और इनकी पाकिस्तान के साथ मोहब्बत कैसी है और पाकिस्तान के साथ आज आप देख सकते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के झंडे का जो कलर जो है वो ज़ेब-ए-तन किया है। ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि अदर नेशनलिटीज़ जब पाकिस्तान की बात करते हैं पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो वो पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने आज हमें इज़्ज़त बख्शी। हाईली थैंक्स बंडल ऑफ थैंक्स यू गिव अप योर पर्सनल टाइम। जी नाज़रीन ग्रामी आपने देखा तो ये आज का दिन हम सब के लिए बड़े एजाज़ का दिन है। तो इसी शेर के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। गिर मेरे खून से लिखी जा सकती है खुशहाली, गिर मेरे खून से लिखी जा सकती है खुशहाली, तो मेरे लहू का हर कतरा तुम पे निशावर है वतन। हम हैं लहू।